गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया। ए छोरी कट जा रही है। मत बांधो तुम मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस जमी से आसमां को मैं अब छूना चाहती हूँ। मैं उड़ना हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे दूर नहीं। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट तीसरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। होप सो कि आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा और लगभग लगभग आपका सिलेबस एंड पे है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना। और सबसे बड़ी खास बात, रिवीजन भी करने वाले हैं जो भी कल पढ़ा है। मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे कमेंट में लिख के फटाफट से। गॉट इट? जी बिल्कुल, सब लोग जुड़ जाइए, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ तो बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर आपने मैथ में क्या क्या कवर करवा दिया है, हमें कुछ नहीं पता। इट्स मीन कि सिलेबस क्या क्या करवा दिया है कवर, हमें नहीं पता। तो आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप करें कि यस सर हमें जानना है। हाँ मोहित आदिल कह रहे हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पढ़ाओगे। मैंने जो जो कवर करवाया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सब पहले थम्स अप कर दें कि यस सर हमें जानना है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। और जिनकी टेंशन है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ बात है जो मैं कहना चाहता हूं। तो जल्दी से सब लोग थम्स अप करें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस यस, जो नए हैं बिल्कुल मैं उनको भी कंसिडर करूंगा, सबने थम्स अप कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं चलता हूं स्लाइड्स पे जो आपको सिलेबस डिनोट करेंगी और मैं तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे इन चीजों को कवर करना है जो छूट गई हैं। और जो अपने टॉपिक्स हैं जो आप स्पेशली पढ़ना चाहते हैं दोबारा, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलता हूं मैं अपने सीधे स्लाइड नंबर 1 की तरफ। ये देखिए, ये आपका, मैंने आपको जब बताया था कि मैंने सिलेबस को 3 भाग में डिवाइड किया है, पार्ट 1। जल्दी से देख लें, इस पार्ट 1 में कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है जिसमें हम कहते हैं सरलीकरण की गणना। इसको मैंने 4 चैप्टर में डिवाइड किया था, चारों के चारों चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं जैसा कि आपको टिक लग रहा है। चारों के चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चलता हूं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में ये देख लीजिए, सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे कवर करने हैं सारे, और मैं कैसे आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर पक्का है। तो जैसे ऊपर 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 लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, वो नहीं हुआ है, उसको मैं कवर करने वाला हूं, बेफिक्र रहें। चलता हूं मैं तीसरे पार्ट की तरफ बिना किसी देरी के। तो ये तीसरा पार्ट आपके सामने है, जैसा कि आपको दिख रहा है अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योमेट्री हमारा चल रहा है, मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हाँ ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स जो पार्ट है ये मैं आपको इतने शानदार तरीके से करवाने वाला हूं कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप तैयार रहें इन चीजों के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो कवर अप करना है ना, हाँ अब जो आपको कवर अप करना है ना वो कैसे करना है। देखिए, पढ़े तो आपने एक एक कंसेप्ट को लिया, जो भी अगर आपको डिटेल में कोई चैप्टर पढ़ना है, मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर किसी भी चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। क्या करना है, जो भी चैप्टर आपने सिलेबस में देखा जो कंप्लीट हो चुका है उस टॉपिक का नाम लिख दें, उस टॉपिक का नाम लिख दें और साहिल सर लिख दें या फिर वाईफाई स्टडी लिख दें, तो आपके लिए आरआरबी की वाईफाई स्टडी की क्लास आ जाएगी टॉपिक के नाम के साथ, अगर डिटेल में पढ़ना है। अब बात आती है कि सर हमें तो सब कुछ पढ़ना है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हमने प्लान किया है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाना है। हाँ, कवर कैसे करवाना है,
आप चाहते हैं ना कि आपके एग्जाम में देखते ही आपसे क्वेश्चन बने, चाहते हैं या नहीं चाहते, हर स्टूडेंट की इच्छा होती है कि आपसे मैथ के क्वेश्चन में इतना ना करना पड़े कि सर हम ये सब कर रहे हैं। भाई साहब, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो बेसिक से करने के तरीके बताए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। जो ट्रिक्स हैं वो जब मैं आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस जब कवर करूंगा ना, पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूं, ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूं, तो जल्दी से थम्स अप कर दें कि एग्री है ना, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, एग्जाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा मैथ का विद प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन की। इतनी क्लास होंगी कि आप देख के आंसर दे पाएंगे, देख के आंसर दे पाएंगे, ट्रिक्स को डिस्कस किया जाएगा, सब चीजें डिटेल में क्लियर होंगी। हाँ, तो रिवीजन भी अच्छे से, हाँ बिल्कुल। अरे भाई साहब देखिए, जो लोग ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या इस मेहनत में कमी थी क्या? जो एक बंदा बोल रहा है कि सर पेन ड्राइव कोर्स मत निकाल देना, इस मेहनत में कमी थी क्या? दोस्त मैं आपसे ही पूछ रहा हूं जिन्होंने ये बात बोली है, क्या इतना सब कुछ पढ़ा दिया इसमें कहीं ढील छोड़ी है? भाई साहब कहीं कोचिंग में खर्च करके भी इतना नहीं मिलता तुम्हें, गारंटी से मैं बता रहा हूं, वो पैसे ले लेते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां पे आपका जो इंटरेक्शन है हमसे है, ठीक है, और मैं आपको हर तरीके से इसी भली बात ही परिचित कराना चाहता हूं, मजा आ जाएगा, बस खुश रहें और मस्त रहें, हर चीज बेटर से बेटर मिलेगी आपको। वाईफाई स्टडी आपकी तरक्की की तरफ देख रहा है और कुछ भी आपका बुरा नहीं होने देगा कभी भी, याद रखना इस चीज को, क्लियर है गाइस? तो देखिएगा अब मेरा आपसे जो प्रश्न है, कल का जो रिविजन फटाफट से कर लेते हैं, तुरंत रिवीजन करते हैं। जो लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहूंगा कि रिवीजन बताइए मुझे, अगर दो रेखाएं, अगर टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है, जल्दी से बताओ। टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है, जल्दी से बता दो फटाफट से, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर पैरेलल वाले पे क्वेश्चन करेंगे, तो रिवीजन जरूरी है, हर चीज का रिवीजन जरूरी है, तो जल्दी से बताओ। टू लाइंस जब पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है, जल्दी से। जी बिल्कुल सही है शबनम कौंडल का आंसर, बिल्कुल सही आया है। क्या कंडीशन होती है कि उस लाइन की प्रवणता दूसरी लाइन की प्रवणता बराबर -1, तो M1 M2 बराबर -1 करना होता है। तो चलते हैं इस पे एक प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है, हाँ चलिएगा इस पे एक प्रश्न कर लेते हैं, जल्दी से आप आंसर देना, मजा आ जाएगा। टू लाइंस क्या क्या हैं, तो टू लाइंस लिखिए दोस्तों, जल्दी से आंसर देना है सेकंडों में, kx प्लस 13y बराबर 23, और दूसरी लाइन है 8x प्लस 2y बराबर 13। मैंने बोला कि लाइन आपस में लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं मतलब लंबवत हैं, लंबवत हैं, तो आपको k का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, जल्दी से क्विकली आंसर देना है, इसकी प्रवणता निकालो। अब मैंने आपको प्रवणता कैसे निकालना बताया था, अगर आपकी लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, आपकी लाइन ax प्लस by प्लस c के रूप में है ना इसी रूप में, तो इसकी प्रवणता क्या होती है, प्रवणता होती है माइनस x का गुणांक मतलब a अपॉन y का गुणांक b, तो माइनस ए वाई बी आपका होता है। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे प्रवणता, जल्दी से आंसर दें सब लोग, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। किंग निरंजन भाई मेरे दोस्त, तीसरा पार्ट चल रहा है, तो पहले और दूसरे पार्ट देख लो, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आज मैं बहुत सारी चीजें कराने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे आंसर आता है, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी इस वाली लाइन की, x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक मतलब 13 बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, तो यहां से मैंने देखा माइनस से माइनस किया, 2 से 1 चला गया, माइनस x का गुणांक y का गुणांक और माइनस x का गुणांक और y का गुणांक, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है और माइनस वन के बराबर करना है, क्योंकि M1 N2 M2 बराबर माइनस वन होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन M1 M2 बराबर माइनस वन होती है, तो यहां से एक माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका के बराबर माइनस का 13/4, के बराबर हो जाएगा माइनस का 13/4, क्लियर है, चलिएगा।
बहुत बढ़िया, 52 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन देखो गलतियां ना करो, क्योंकि आपको पता है m1 into m2 बराबर -1 होता है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन है ना दोस्तों, परपेंडिकुलर की कंडीशन है। विश्वजीत कह रहे हैं कि कैलेंडर क्लॉक आपका हितेश सर ने बहुत अच्छे से करा दिया है, क्योंकि वो रीजनिंग का पार्ट है ना, सिलेबस में इसमें दे रखा है, लेकिन इसका पार्ट नहीं है, वो रीजनिंग का पार्ट है दोस्तों, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करें फटाफट से। अगली कंडीशन बताओ, जब दोनों लाइन समांतर हो, पैरेलल हो, तो क्या कंडीशन होती है, जल्दी से बताओ। अगर पैरेलल लाइन हो तो क्या कंडीशन होती है, तो मैं ये कहता हूं कि दोनों की प्रवणता बराबर हो जाती है, दोनों जो लाइंस हैं उनकी प्रवणता बराबर हो जाती है। जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों की प्रवणता बराबर हो जाती है, क्लियर है। तो बराबर होने के लिए कंडीशन करते हैं, एक लाइन दो लाइन दे रहा हूं, 5x + 7y = 6 और 3x + ky = 13। तो यहां से आपको k का मान निकालना है, जल्दी से निकाल दो सब लोग। दोनों की, इस लाइन की प्रवणता, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल कर दो और k का मान आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जल्दी से आंसर दे दो सब लोग, जल्दी से क्विकली सब आंसर दे दें। हाँ देखिए, जो लोग आज जुड़े हैं ना, मैं उनसे वही विनती करूंगा जैसा मैं हमेशा से करता आया हूं, दोस्तों पेशेंस रखा करो, ये चीज है ना आपको समझने की है। आप डेली क्लास अटेंड करो, आपको पता है डेली क्लास 11 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार। तो क्लास अटेंड करने में जाता क्या है, आपको सीखने को इतना मिलेगा कि आप कभी नहीं, पर लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप स्टार्टिंग में LKG UKG में पढ़े होंगे तो ANR आपने अगर सीखा, आपने अगर आधा सीखा, तो आप पूरा कैसे सीख पाओगे अगर पूरी क्लास अटेंड नहीं करोगे। तो सीधी सी बात है, हर चीज बिल्कुल बेसिक से लेके चलो, है ना। यहां पे आपका आंसर आ गया है 21/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है, दोनों की प्रवणता को बराबर करना है, तो इस लाइन की प्रवणता कितनी हो जाएगी, एक्स का गुणांक -7 - -3 इस वाले का k। तो मैंने माइनस से माइनस काट दिया और मेरे पास k का वैल्यू हो गया 21/5। यहां तक क्लियर है, सब डन कर दें कि यस सर क्लियर है। अब मैं आपको कैसा रहे कि मैं आपको रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन का भी रीजन करा दूं, एक रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा था ना कि मैं सारे कमेंट देखता हूं आपके, एक स्टूडेंट, उनका नाम मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था कि सर हमें इसका प्रतिबिंब नहीं निकालना हो रहा है, तो आप निकालिए सब लोग, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर y = -2 के रेस्पेक्ट में, y = -2 के रेस्पेक्ट में पॉइंट 4 और -3 का रिफ्लेक्शन चाहिए भाई, निकालो, तो आपका भी हो जाएगा और उनका नहीं हुआ तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। इसका आपको प्रतिबिंब निकालना है इस पॉइंट का, y = -2 के रेस्पेक्ट में। जल्दी से आंसर दो सब लोग, मजा आएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन दो, आंसर दो। जिसको नहीं आता, रिवीजन से फायदा यही है, जिसको नहीं आएगा उसको भी समझ में आ जाएगा और जिसको आता है वो और फास्ट हो जाएगा और तरीके भी सीखने को मिलेंगे। तो ये कल कमेंट में क्वेश्चन आया था, उसको मैंने कवर अप किया है, ठीक है। आप भी अपना कोई भी डाउट है भेज सकते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली बताया जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए दोस्तों, मैं हमेशा साथ हूं आपके और जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक साथ रहूंगा। पॉइंट क्या है आपके सामने, ये आपके सामने एक निर्देशांक है, ये आपके सामने निर्देशांक दिया हुआ है, y = -2 मतलब y का मान -2 रहना चाहिए। तो मैं ये कह देता हूं कि y = -2 यहां पे है, 0 यहां पे होता है आपका, -1 यहां पे होता है, आप सबको पता है y = -2 है, तो लाइन क्या बन जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी लाइन, हो जाएगी ये y = -2। अब आपको पता है इसके रेस्पेक्ट में, आपको इस वाले लाइन के रेस्पेक्ट में आपको वो निकालनी है फोटो, प्रतिबिंब क्या होता है, एक तरीके से फोटो ही तो होती है, रिफ्लेक्शन ही तो होता है। देखो आंसर, देखो क्या आएगा, आपको पता है ये क्या है, 4 और -3, तो एक्स तो आपका 4 है, वाई क्या है, -3 है। तो मैं इसका पॉइंट अगर प्लेस करना चाहूं तो मैं यहां कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, 4 और -3, क्लियर है। यहां तक समझ में आया, मुझे इस बिंदु का
फोटो निकालना है फोटो, तो मेरे पास कांच कहाँ है, वाई इक्वस टू माइनस दो ही तो मेरा कांच है, मेरा मिरर क्या है, वाई इक्वस टू माइनस दो। अगर मैं मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, मैं मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, ये हमारा क्या होता है, वाई तो होता है, वाई तो निर्देशांक होता है, एक्स तो हमारा ये है, एक्स तो चार ही रहेगा। अगर मैं फोटो बनाऊंगा तो मेरा इतना तो मैं फिक्स रहूंगा, तो मेरा एक्स तो होल्ड ही रहने वाला है। मैं मिरर से कितनी दूर हूं, माइनस तीन और माइनस दो में कितना अंतर है, एक का अंतर है, ठीक है, एक का अंतर है। तो मेरी फोटो किधर बनेगी, एक स्थान इधर बनेगी, तो दो से माइनस दो से एक स्थान इधर मतलब माइनस एक पर मेरी फोटो बन जाएगी, माइनस एक पर मेरी फोटो बन जाएगी, और जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो वैसे का वैसा रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा फोर और माइनस वन। तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, फोर और माइनस वन। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया सबको क्या आंसर आएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंकज साह कह रहे हैं सर रिवीजन क्लास कब से चालू करेंगे। बिल्कुल पंकज साह, जैसे ही मैं आपका सिलेबस खत्म करा देता हूं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ा के उसके बाद हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। आर यू सेटिस्फाई, तो जल्दी से लाइक कर दें सब लोग जिन्होंने नहीं किया है। चार और माइनस एक समझ में आ गया कि हमने कैसे लिया, इस कांच से ये बिंदु कितनी दूरी पे था, भाई एक्स तो समान ही रहेगा ना, हम यहां खड़े हैं इतना चल के ही तो खड़े हैं, फोटो इधर ही तो बनेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा चार का चार ही रहा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ही तो चेंज हो रहा है, पहले यहां था, अब पहले यहां पे खड़ा था इंसान, उसकी फोटो पीछे बनेगी, कांच से कितनी दूरी पर है, एक स्टेप दूरी पर है, तो एक स्टेप पीछे कर दो, तो दो से एक स्टेप पीछे मतलब माइनस एक पे बन जाएगी। क्लियर है, चलिएगा, हाँ सबके लिए इनफ है, सबके लिए इनफ है। और जैसा कि एक आध स्टूडेंट के सजेशन आते हैं सर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज आपने परचेस कर ली होगी, अगर नहीं की है तो उसको परचेस कर लेना, उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट होंगे उनका वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊंगा आपके लिए। क्लियर है ना, इस चीज से संतुष्ट रहना है आपको, ठीक है ना, आप जैसा कहेंगे वैसा माना जाएगा, ठीक है, चलिएगा। अब आपके सामने अगला चीज करते हैं। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था रिवीजन में कल, कि आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, मजा आएगा करके कोशिश करना, है ना, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखना है अपनी कॉपी में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हिंदी में भी लिखूंगा टेंशन मत लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 7x-3y=13 एंड passes through the point 3 और 2, ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 7x-3y=13 7x-3y=13 के समांतर हो, ठीक है, और बिंदु 3 और 2 से गुजरे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से करना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना आपको, सब चीजें मैं क्लियर करूंगा ना, तो जल्दी से इसका आंसर दें। हाँ सर, तीन लाइन के कब कराएंगे, डी के पांडे जी, डी के जो भी हैं, भरोसा है ना, भरोसा रखो सब कराऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो यार, टेंशन लोगे तो कैसे कर पाओगे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं लाइंस में। अगला जो आपका आएगा थ्री लाइन वाला आएगा, कंसेप्ट जो बनेगा वही बताया जाएगा आपको, ठीक है, चलिएगा। अब आपके सामने ये इक्वेशन आ गई है 7x-3y=13 और मेरे पास आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया अक्षय गोस्वामी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त जिसने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है अक्षय, प्रदीप चौधरी ने कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप, हाँ देखिए डिफेंस एकेडमी कह रहे हैं कि सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो माँ करनी डिफेंस एकेडमी, मेरे दोस्त मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी स्थिति, और अचानक से समझना आसान नहीं होता, ऑब्वियस ही बात है यार, बीच में चैप्टर चल रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करो, पेशेंस रखो, हर चीज़ क्लियर होगी। अभी जो ये चैप्टर है ना, इसका पार्ट वन पार्ट टू देख लेना, ठीक है, ये चैप्टर तो कम से कम क्लियर करो, फिर मैं जब रिविजन कराऊंगा तो सारे चैप्टर लेके चलूंगा। जी बिल्कुल, अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा 7x-3y=13 के समांतर हो, तो मैं यह कह देता हूं इस रेखा की कोई समांतर रेखा है,
ये कोई रेखा है, और जो मेरी जो रेखा है, जो मेरा आंसर होगा वो इसी रेखा के समांतर होगा, और अगर समांतर होता है तो दोनों की प्रवणता बराबर होती है, लेकिन मुझे इसका मान नहीं पता कि क्या होगा। भाई सीधी सी बात आपको क्या पता है, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो m1 बराबर m2 होता है ना। आपने ही तो बताया था मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि सर दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं, तो प्रवणता से c का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रवणता क्या होती है, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो यहां पे तो दोनों बराबर ही आएंगी, दोनों हिस्से तो भाई दो लाइन है मेरे पास, दोनों का ए उस रेखा का समीकरण आपको निकालना है जो रेखा इसके समांतर है, तो इसके समांतर कोई भी रेखा हो जाएगी जिसकी प्रवणता समान है, और उसका c का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वो रेखा, इसने एक क्लू और दे रखा है, वो रेखा बिंदु 3 और 2 से गुजरती है, तो बस आंसर आ गया। अगर कोई बिंदु ये रेखा 3 और 2 से गुजरेगी तो इसका मतलब x का मान 3 y का मान 2 रख सकते हो, भाई इसको भी तो सेटिस्फाई करेगी ये। तो x का मान 3 रखोगे तो 7 * 21, x का मान 3 रखोगे तो 7 * 21 माइनस और 4 × 3 = 6 बराबर सी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सी यहां से कितना निकल रहा है, 15 निकल रहा है। तो अब आपकी रेखा क्या हो गई, आपकी रेखा हो जाएगी 7x - 3y बराबर 15। इतना शॉर्ट तरीके से आपने आंसर ला दिया, अब कुछ करना था क्या ये बताओ जल्दी से मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, 7x माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। प्लस क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनना, दिमाग से सुनना, मैंने बोला है समांतर है तो दोनों की प्रवणता तो समान रहेगी ना। प्रवणता समान रहेगी तो जो आगे वाला पार्ट है दोनों का सेम रहेगा, आगे वाला पार्ट दोनों का सेम रहेगा। टेंशन मत लो, आंसर आपके सामने ही होता है हमेशा। आपको क्या करना था, अगर समांतर वाली, अगर पैरेलल वाली कंडीशन आ जाती है तो सीधा सी लिख के वैल्यू पुट कर दो, सी का मान निकाल लो, और सीधा आपकी इक्वेशन आ जाएगी 7x - 3y बराबर 15। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया, बिल्कुल सही है, अब सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना, अच्छा लग रहा है ना। एक बार फिर से बताएं, एक तरीके से क्वेश्चन ले लीजिए, आपका 15 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आ रहा है समझ में, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाइस, है ना। समझ में नहीं आ रहा तो बीच में जुड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा कि गाइस सबको समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो शुरू से जुड़े हुए हैं, और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, है ना। टेंशन मत लो, पढ़ा रहे हैं ना, अच्छे तरीके से ही पढ़ाएंगे, मेहनत क्यों वेस्ट होगी बताइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन भी आपको देना है। ओ शिट, मैंने मिटा दिया, लेकिन मिटाना नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से लिखना पड़ेगा, आपने लिख तो रखा होगा। फाइंड द इक्वेशन, वही यहां तक चलेगा। देन द लाइंस आर, मतलब अब जो लाइंस हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। पैरेलल की जगह आप परपेंडिकुलर कर लेना, जो आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर कर लेना, लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और वो इस रेखा 3x - 11y बराबर -1 के परपेंडिकुलर है। इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है आपको, और आप कौन से पॉइंट से गुजरती है, पॉइंट 3 और 1 से गुजरती है, ठीक है, से गुजरती है। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज वही है, उस रेखा की समीकरण आपको निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से गुजरे। तो जल्दी से निकाल लो, अब तरीका बताऊंगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाना है। अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए, लंबवत की बात की जाए, तो हम जानते हैं सर m1 m2 बराबर -1 होता है ना। तो मतलब इस रेखा की जो प्रवणता है और जो आपकी आंसर वाली रेखा होगी उसकी प्रवणता क्या होगी, उसकी प्रवणता क्या होगी, एक तो उलट जाएगी और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तो उलट जाएगी और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तरीका देखो कितना शॉर्ट है, कितना शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो। क्या करना है, बात सुन लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो क्या करना है, ए वाली इक्वेशन में इधर से इधर कर दो पहली बात तो, क्यों, क्योंकि प्रवणता बदल रही है। तो 11x माइनस लगा हुआ है यहां, तो यहां तो अभी तो माइनस रखो, और यहां रख दो 3y बराबर सी, ठीक है। अब यहां पे भी माइनस है ना एक, तो इस बीच वाले माइनस को प्लस कर दो, बस इतनी सी ट्रिक है। तो कभी भी आपकी परपेंडिकुलर वाली बात आए, कभी भी आपकी परपेंडिकुलर वाली बात, बहुत बढ़िया है ना। तो 11x प्लस 3y बराबर सी कर दो। क्या किया मैंने, क्यों, प्रवणता उल्टी हो जाती है, क्योंकि जब m1 हमें पता है तो m2 क्या हो जाएगी,
माइनस वन अपॉन एम वन, मतलब एम वन एम टू जो होगी वो एम वन का उल्टा होगी और उसके साथ माइनस और गुणा कर दिया उसने, क्योंकि माइनस वन ही दे रखा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को उल्टा कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया। अगर प्लस होता तो माइनस कर देता, मेरी मर्जी। इसके बाद क्या करना है, तीन और एक से सेटिस्फाई कराना है जिससे मेरा सी का मान आ जाए। तो एक्स का मान तीन रख दो और वाई का मान एक रख दो, क्योंकि इस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है। तो मैंने रख दिया 11 तिया 33 प्लस और तीन, ठीक है, 11 तिया 33 और तीन। तो यहां से मेरा आ जाएगा सी, तो सी का मान आ जाएगा 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11x प्लस 3y बराबर 36 मेरा आंसर आ जाएगा। 30 क्यों आएगा भाई, 36 आएगा। मनमोहन सिंह का आंसर सही है, मनमोहन सिंह बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई, ठीक है जी। हाँ, ट्रिक समझ में आई, ट्रिक समझ में आई सबको, कैसे किया हमने जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, कुछ भी टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्या किया, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो सीधी सी बात है, जो इसकी पर जिसकी इसकी स्लोप है वो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस वन बाई एम वन हो जाएगा, मतलब इस वाले स्लोप का उल्टा और माइनस का मल्टीप्लाई। तो मैंने इस वाले स्लोप का उल्टा कर दिया, 11 इधर ले आया x के साथ और 3 इधर ले आया y के साथ और माइनस को कर दिया प्लस, बस इतना सा काम आपको करना है। और c का मान आपको निकालना है, तो c का मान कैसे निकालोगे, वैल्यू पुट कर दो, 3 एक से गुजर रही है तो c का मान आ जाएगा 36, c का मान आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए चीजें करोगे तभी समझ में आएगा। हाँ, जो लोग कह रहे हैं सर नहीं समझ में आ रहा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, पढ़ोगे तभी तो क्लियर होगा ना भाई। जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं वो आपसे ज्यादा दिमाग नहीं रखते, वो कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो चीज देखो आप भी, है ना। चलिएगा, अब मैं आपके सामने लेके चलता हूं अगले कंसेप्ट की तरफ, बढ़ता हूं क्योंकि बहुत जरूरी कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं आज, है ना। मैंने कल आपको चीज बताई थी, एक कल मैंने आपको चीज बताई थी, यूनिक सॉल्यूशन बताया था, है ना। अगर 2x प्लस 3y बराबर 7 है, 5x प्लस 9y बराबर 6 है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी पहले बताओ मुझे। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो तो क्या कंडीशन होती है, जल्दी से बता दो एक बार जिससे कि रिवीजन क्लियर हो जाए आपका। यूनिक सॉल्यूशन हो तो क्या होती है, a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 होना चाहिए, तो 3/9, और ये सही हो रहा है भाई, नहीं है ना, बराबर कहां है। अगर बराबर होते तो क्या होता, पैरेलल होता, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या थी, a1 upon a2 अगर बराबर है b1 upon b2 के लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाता, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये कंडीशन पता है ना आप सबको, है ना, समांतर हैं। अगर ये हो जाता a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2, तो यहां पे क्या होता, अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका होता, क्लियर है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता आपका, यहां तक क्लियर है। तो आपको देखो चीजें समझ लो, इतने से फॉर्मेट में आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं जिससे टेंशन खत्म हो जाए आपकी भी। अब क्वेश्चंस आप कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि आप कर पाए, आंसर दे पाए डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, है ना, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर देना। अब जैसे कि यही क्वेश्चन ले लीजिए, इसका मुझे यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। पहले आपने क्या चेक किया, आपके सामने ऐसे बोलेगा कि आपके सामने दो इक्वेशन दी गई हैं, तो बताइए कि इस ये पैरेलल है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप क्या आंसर देंगे, कैसे चेक करेंगे, जल्दी से बताइए। और ये एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने, एक इक्वेशन ये लिख रहा हूं, देखिए 7x-3y बराबर 13 और 14x-6y बराबर 19, तो एक इक्वेशन ये है आपके सामने, ये भी एक इक्वेशन का क्वेश्चन है। पहले बताइए इसका क्या होगा, अनंत सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ, जल्दी से दोनों के आंसर बताओ, वही बात है। और कैसे मान निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा गारंटी से, तो जल्दी से मुझे आप बता दो, ठीक है।
हाँ, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, आपको चेक करना है। 7/14 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। ये तो 1/2 बन रहे हैं, तो कौन सा आ जाएगा आपका, लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, नो सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का यह है कि इन रेखाओं का कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे चलेंगी। देखो भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं, सॉल्यूशन तभी निकलता है जब रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करें। और यहां पे पता यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि रेखाएं सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए आपका यूनिक सॉल्यूशन है। समझ में आया? तो मैं आपसे यही कहूंगा, दिमाग को सोचें, दिमाग से सोचें कि यूनिक सॉल्यूशन क्यों हुआ, अद्वितीय हल क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, वो सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए एक सॉल्यूशन है। पैरेलल चल रही हैं, समांतर चल रही हैं, तो अनंत तक कभी नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके सामने एक कंडीशन ऐसी दे देता, एक क्वेश्चन इस प्रकार दे देता हूं, देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार दे देता हूं, जैसे कि ये बना देता हूं क्वेश्चन एक आपके लिए, ये लीजिए, 4x + 7y = 4, 8x + 14y = 8। इसका आप बता दो, जैसे ही आपको दिख जाएगा कि सर 1/2 हो रहा है, तो आप कह दोगे कि अनंत बार कटेंगे सर आपस में, इसलिए इसके अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर चलती रहेगी तो अनंत बार मिलेगी, अनंत बार कटेगी इसकी, हाँ ठीक है, अनंत बार कटेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो चीजें हम समझेंगे तभी जिंदगी में कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर हम किसी को बता सकते हैं, कोई बच्चा आ गया, आप पढ़े लिखे लगते हो उसको, आपसे पूछा कि यार ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, और अनंत सॉल्यूशन क्या होता है, तो तुरंत चुटकियों में बता दोगे कि भाई इनका रेशो चेक कर ले और आंसर दे दे अपना, ठीक है ना। तो चीजें सीखो। अब मैं आपसे ये कहता हूं, ये क्लियर हो गया सबको? अब आपके सामने पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है, देखो कैसे। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, आपको पता लग गया इन दोनों इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मान निकालो, वो हल निकालो, वो आंसर क्या होगा जिस पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो कौन सा मान होगा। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप सॉल्व कर लो ना, जल्दी से सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका मैं बताऊंगा, बेस्ट तरीका होगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कैसे, 9 × 18 = 18, शानदार ट्रिक है ये इक्वेशन को सॉल्व करने की, आती हो तो अच्छा है लेकिन सीख लो। देखो पहले आपको हमेशा यही करना है कि इस वाले का इससे गुणा करना है, तो 9 × 18 हो गया, इस वाले को इससे गुणा करना है, -15, 5 × 15, और यहाँ पे क्या लिखना है, x लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, x लिखना है। अब आगे क्या करना है, 9 × 7 = 63 यहाँ पे करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई, 63, और 6 × 18 = 18, ठीक है। अब यहाँ से आ गया आपका 3x बराबर, इसको सॉल्व करें जल्दी से, सर रेशो देखकर कैसे आंसर निकालते हैं मैं बताता हूँ, सब चीज़ बताऊंगा। रेशो अभी देखा ना हमने, सब बराबर आ रहे थे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्लियर करने वाले हैं, बड़ा लिखता ना, तो यार देखिए क्वेश्चन आ रहा है, x का मान, अब यहाँ से देखिए 60 में से आपके 15 चले जाएंगे, तो आपका कितने बचेगा, 45, तो x का मान आ गया आपका 15, जब x का मान 15 आ गया, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे जब रखेंगे 15 × 30, और यहाँ पे जब इधर चला जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 30 में से 7 गए तो -23/3, ठीक है। तो क्लियर है ना भाई, यहाँ पे जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, जो यूनिक सॉल्यूशन है, वो क्या सॉल्यूशन है कि x का मान होगा 15 और y का मान होगा -23/3। क्लियर है दोस्तों? जी बिल्कुल। हाँ अब देखो क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर सारे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देख लेना, देखो यार पढ़ो ऐसा कि मजा आ जाए बस, और यही उद्देश्य है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, दिल से पढ़ाया जा रहा है तो उम्मीद है कि आप मतलब इस चीज को कद्र समझेंगे, इस चीज की कद्र समझोगे तभी मतलब है यार, है ना। देखो अगर मैं आपके सामने ये लिख देता हूं क्वेश्चन, 7x - 3y = 13, kx प्लस
4y बराबर 40, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो, तो k का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, भाई कि 4x प्लस 18y बराबर हो गया आपका 1, ठीक है। 4x प्लस 18y बराबर हो गया आपका 1, और एक क्वेश्चन इक्वेशन आ गई आपकी 8x प्लस ky बराबर आपका है 2, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें k का मान निकालना है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो, मतलब अनंत हल हो तो। तो अब दोनों कंडीशन से आंसर आ जाएगा, जल्दी से आंसर दे दो सब लोग। हाँ जल्दी से, मोटिवेशनल क्वेट दूंगा, चिंता ना करो, मोटिवेशनल क्वेट दूंगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो भैया। देखो क्या करना होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन होना तो आपको पता है कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, और ये होना भी चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो मैं ये कह देता हूं 7/k नॉट इक्वल टू माइनस का 3/4, क्लियर है। तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, के नॉट इक्वल टू 28 माइनस के 28/3, तो ये आपका मान आ जाएगा कि के माइनस के 28/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही इसका यूनिक सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा, के का मान हो जाएगा कि के हमारा माइनस 28/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। के हमारा माइनस 28/3 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नहीं वाला साइन लगा रहता है इसमें, नॉट इक्वल टू लगा रहता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगर मैं आंसर पूछता हूं आपसे तो आप क्या आंसर देंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, 4/8 a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर 1/2। तो आपको पता लग गया k का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा यहां से। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप या तो इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर कर लो, तो बात बराबर है, 36 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो सब थम्स अप कर दें, मोटिवेशनल क्वेट की तरफ चलेंगे, मजा आ जाएगा, मुस्कुरा दो सब लोग यार, और बहुत अच्छे से पढ़ोगे, गारंटी है, सब रिवीजन करवा देंगे और मजा आ जाएगा मैथ में, तो क्लियर चलेगा। तो जीतने हमसे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो सीधी सी बात है यार, प्रॉमिस करो कि सफल होके दिखाओगे, क्योंकि रेलवे दूर नहीं है, मेहनत करो, क्योंकि आपके लिए ही सब कुछ है, और आप जितना बेहतर तरीके से मैथ को कर पाओगी तो लाइफ में है ना कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, जिंदगी में किसी को भी पढ़ा सकते हो। ये सोचो कि लाइफ में बस एक बार पढ़ना है, उसके बाद मस्त रहना है, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें समझने से ही आएगी, ठीक है चलेगा। फिर मैं आपको लास्ट में शायरी भी सुनाऊंगा, मस्त रहो यार, शायरी सुनोगे ना तो सब व्यस्त करो यार, सब शायरी सुनाओगे, प्यार वाली शायरी सुनेंगे और मस्त रहेंगे, चलिएगा, क्योंकि हम तो मोहब्बत के सौदागर हैं भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो यूनिक कंसेप्ट है, अगर लाइन्स क्या हो, कोकरंट हो, कोकरंट लाइन्स। अब ये क्या होते हैं सर, पता नहीं सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये देखो जो तीन लाइन वाला केस है ना वो ये है कि अगर लाइन संगामी हो, लाइन क्या हो, संगामी रेखा हो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो सब लोग, जो भी अगर नोट्स लेके बैठे हैं अपने तो सब लोग डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है मैं बता रहा हूं कि इफ, ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया, गर्दा तो उड़ेगा, ठीक है। इफ मोर देन टू लाइन्स पासिस थ्रू ए पॉइंट, अगर दो से ज्यादा लाइन एक बिंदु से गुजरे, तो उन लाइन को संगामी रेखाएं या को करंट लाइन कहते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर दो से ज्यादा लाइन एक बिंदु से गुजरे तो उस रेखा को, उन रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि ये पॉइंट है, इससे ये लाइन भी गुजर रही है, ये लाइन भी गुजर रही है, ये लाइन भी गुजर रही है, तो ये सारी लाइनें आपस में क्या हैं, संगामी रेखाएं हैं। क्लियर हो गया, तो सब डन करके भेज दें कि सर बहुत बढ़िया, ठीक है चलिएगा। अब बात आ जाती है कि सर होता क्या है संगामी, तो देखो अब दो से ज्यादा लाइन मतलब तीन, तो तीन को ले लेते हैं। अगर ऐसे लाइन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरा क्या है a2x
प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, अगर तीसरा क्या है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर इस तरीके से तीन लाइन आपके सामने गिवन हो, तीन लाइन दे रखी है ना, क्योंकि दो से ज्यादा लाइन है एक ही बिंदु से गुजर रही है, तो मतलब कोई एक बिंदु ऐसा है, अगर कोई एक बिंदु ऐसा है जो इन सब चीजों से गुजर रहा है तो वो संगामी रेखाएं बनाएगा। तो इसकी कंडीशन होती है दोस्तों, देखो मैं आपको फालतू के लफड़े में नहीं फंसाने वाला, लेकिन लिख लो कॉपी में लिख लो, तरीका बताऊंगा शानदार वाला, आंसर आ जाएगा, खुश हो जाओगे, मन खुश हो गया, मेरा भी मन खुश हो जाएगा। तो इसका पता क्या होता है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री बराबर जीरो करते हैं। ये लिख लो, मैं लिखा रहा हूं बोझ रख के दिल पे, बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा सरल तरीके से, क्लियर है। तो ये कंडीशन होती है, अगर रेखाएं संगामी निकालना हो तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स जीरो करना पड़ता है। और मैट्रिक्स का हल कैसे निकलता है, हाँ ठीक है, अगर देखिए अच्छा लग रहा है तो 1900 लोग जो भी देख रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मजा आएगा, उम्मीद है आपको सबको अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका मैट्रिक्स निकालता हूं तो ऐसे निकालते हैं, पहले ए को काट देते हैं, पहले इसको काटते हैं, ए को काटा तो इस वाली लाइन को काट दिया, तो ए वन बी टू सी थ्री, बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, सी टू बी थ्री। मैं क्या कह रहा हूं, याद मत करना, अगर जिसको समझ में आता है वो ही समझे, नहीं समझ में आता है तो आंसर आपका आएगा, तरीका मैं बताने वाला हूं, लेकिन प्लीज ठीक है। हाँ गेट में आते हैं इंजीनियर मनीष को पता है, और बहुत बढ़िया इंजीनियर मनीष, मैं मतलब जो लोग डेली आते हैं मैं उनको कैप्चर करता रहता हूँ, जैसे कि ये लोग हैं। हाँ तो बस सीधी सी बात है, एक ये हो गया हमारा, अब दूसरी बार क्या करना होता है, इस B1 को काटना होता है, ऊपर वाले को, हमेशा ऊपर वाली लाइन को टारगेट करो, B1 को काटो, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कट गया, बचा कौन A2 C3, तो यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस ले लो, माइनस B1, तो A2 C3 माइनस A2 C3, A2 C3 माइनस ए थ्री सी टू, ठीक है। अब प्लस ले लो, ऐसे चलता है, प्लस ए वन माइनस बी वन, अब प्लस सी वन आ जाएगा, सी वन अब क्या करना है, सी वन को काट दो, जब इसको काटोगे तो ये सब कट गए, बचा कौन ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, ठीक है जी हाँ, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया कि मैं कैसे कर रहा हूं, क्लियर हो रहा है ना मेरे भाइयों, मुझे बताते रहे, ये होता है। और इसको पता है क्या करना होता है, इसको जीरो करना होता है। अब किन्हीं बच्चों के नहीं समझ में आया होगा, तो दोस्त बिल्कुल टेंशन मत लो, साहिल सर हैं, भरोसा रखो, मजा आएगा। देखो यहां तक क्लियर हो गया, अब देखो अब मैं इसको करता हूं मिटा, और आपका आंसर कैसे आएगा वो बता देता हूं। चलो आपका आंसर कैसे आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आंसर कैसे देंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर के दे रखा है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 2y बराबर 7 दे रखा है, और तीसरी इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस y, 7x प्लस y बराबर 17 दे रखा है, क्लियर है। ये इसी तरीके से तीन इक्वेशन दे रखी हैं। मैंने क्या बोला, अगर ये इक्वेशन संगामी हैं, अगर ये तीनों रेखाएं संगामी हैं तो k का मान निकालो, को करंट है तो k का मान निकालो। समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या है भाई, तीन लाइन है, को करंट है, तो k का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, दिमाग लगाते हैं पहले, अभी कुछ मत सोचो, पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखाएं सर आपने बताया था, वो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से गुजरे, मतलब अगर मैं इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लूं तो वो प्रतिच्छेदन बिंदु इसी से भी गुजरेगा, क्योंकि संगामी रेखाओं का मतलब क्या होता है, वो रेखाएं जो किससे गुजरे, एक ही बिंदु से गुजरे, तो जो रेखाएं इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वही इस वाले पॉइंट, इस वाली रेखा से गुजरेगा, तो क्यों ना मैं इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लूं ना डायरेक्ट, है ना, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु डायरेक्ट निकाल लेता हूं। कैसे निकालोगे, जल्दी से आंसर दे दो कैसे निकालोगे, आप कैसे करते हो, 7x प्लस y बराबर 17 है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 5x प्लस 2y बराबर 7, 7x प्लस y बराबर 17, मैंने 2y से 2y काट देता हूं, तो मैं ऐसे सोचता हूं इसका 2 से गुणा कर देता हूं, तो ये हो गया मेरे पास 14, ये हो गया मेरे पास 2y, ये मेरे पास हो गया 34,
अब क्या करना है, माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया और माइनस के 14 में से 5 गए तो मेरे पास कितने बचेंगे, माइनस का 9x बराबर, ये तो 0 हो गया, माइनस के 27, तो यहाँ से मेरा आ गया x का मान 3 आया। अगर x का मान मेरे पास 3 आया है तो मैं x का मान यहाँ पे पुट करूँगा 15, तो y का मान कितना हो जाएगा जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, आंसर भी आ गए, बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गए हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4। मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहां रखी 3, 15 इधर चले गए, माइनस का 8, और 2y बराबर करूंगा 8 माइनस का 8, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 4। अब मुझे यहां पे रख देना है बस x का मान और y का मान, तो x का मान कितना है 3 × 6 प्लस माइनस के 12 बराबर k, और k का मान कितना आ जाएगा माइनस के 6। क्लियर हो गया, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। अब वो क्या था, A1, A2, A3, मतलब मैट्रिक्स निकालो, सॉल्व करो, सब मातापच्ची करो, बहुत दिक्कत थी ना, आंसर आ गया, खुश हैं, बताएं, यस सर क्लियर हो गया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया गाइज, अगर आंसर आया है तो डेफिनेटली बताएं कि यस सर क्लियर हो चुका है हमारा, जल्दी से बता दें। देखो क्या किया है, संगामी रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक पॉइंट से गुजरे और वो पॉइंट समान होगा, और जितनी भी रेखाएं इन दोनों से जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा वो क्या आया, x का मान 3, y का मान 4, वो इसमें भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वो ये लाइन भी तो उसी पॉइंट से गुजर रही है संगामी रेखाओं की कंडीशन के हिसाब से, तो आपका आंसर आ जाएगा k बराबर -6। क्लियर है जी, बिल्कुल, मैंने रिपीट भी कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट की तरफ, सबसे खतरनाक पॉइंट, और आप तैयार रहें सब लोग, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है यार, क्योंकि मैं चाहता नहीं कुछ छोड़ूं, क्योंकि फिर कल को अगर उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया ना तो फिर इतनी मेहनत खराब चली जाएगी, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं आपको। अब अगला पॉइंट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। आज मैं लगभग खत्म करने की कोशिश करूंगा इसको, टेंशन मत रखो, ठीक है। रेखा का अंतःखंड रूप, ठीक है सर, ये क्या होता है, अंतःखंड रूप क्या होता है, समझ लो मेरी बात, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे ये कह देता हूं कि भाई कोई रेखा है मेरे पास इस तरीके से, और ये ऐसे काटती है, ठीक है, ये इस तरीके से किसी भी अक्ष को काटती है, ये वाई अक्ष है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये रेखा है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ इस रेखा की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस वी वाई बराबर सी है, ठीक है, ए एक्स प्लस वी वाई बराबर सी है, तो मैं जानता हूँ कि ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरा, ये क्या है, एक्स अक्ष पे बिंदु है। अगर मैं ये कह दूं, अगर ये बिंदु x अक्ष पे है तो इसका मान कितना हो जाएगा, y बराबर 0, तो a 0 पॉइंट हो गया, और दूसरा ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 b हो जाएगा, मतलब y अक्ष पे x बराबर 0 कर दो और x अक्ष पे y बराबर 0 कर दो, यहां तक क्लियर है। अब आपको इसका अंतःखंड रूप निकालना है, तो मैं ये कह देता हूं आपसे कि ये आपकी क्या है, a लेंथ है, और ये आपकी क्या है, b लेंथ है। यहां तक समझ में आया, रिफ्रेश कर लें अपने पेज को गाइस। क्या हुआ, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने पेज को रिफ्रेश कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मान सकते हैं ना। अब मैं ये कहता हूं कि इस रेखा को छोड़ के किसी महान भाव ने कहा कि इस रेखा का जो अंतःखंड का भाग है मुझे जल्दी से बता दो, ये 90 डिग्री होता है। अब ये क्या है, ये एक्स अक्ष पे, ये कौन सा एक्सिस है अपना, एक्स अक्ष पे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख लो, नोट कर लो, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, इस लाइन द्वारा एक्स, कितना एक्स अक्ष कवर किया गया है, कितना एक्स अक्ष काटा गया है, ए ही तो काटा गया है, तो मैं ए क्या लिख देता हूं, द लेंथ ऑफ द इंटरसेक्शन एक्स अक्ष पे काटा गया भाग, कट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ए हो गया, मतलब एक्स अक्ष पे काटा गया भाग, और बी क्या हो जाएगा आपका, द लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन
कट ऑन वाई एक्सिस, मतलब अंतःखंड की लंबाई, ये ए क्या है, एक्स अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, एक्स अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई है, ठीक है। और बी ये क्या है, वाई अक्ष पर है, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, हाँ ठीक है, चलिएगा यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं बोलूं कि ये जो अंतःखंड है, दो रेखा का जो मिला रहा है, दोनों अक्षों को जो मिला रही रेखा है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप दोनों के बीच की दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो अंतःखंड की लंबाई होती है। कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया। यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है ना, तो डन करते जाएं, समझ लो, आसान है, बहुत आसान है, मैं तो बस बता रहा हूं आपको जिससे कि आपका याद हो जाए, आप चीजें समझ पाओ, नोट कर लो और समझ लो, क्लियर होता जाना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये लेंथ है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो मेरा इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, उस अंतःखंड की लंबाई जो दोनों अक्षों को काटे, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लें आप सब, ठीक है। और हां, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन होता है एक्स वाई ए प्लस वाई वाई वी बराबर वन, ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन तौर पे, इंटरसेक्शन जब की जाती है तो लाइन की फॉर्म इस तरीके से बन जाती है, बस इतना सा है। और बताए दोनों चीजें सेम है, कैसे, देखो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके सामने 3x प्लस 4y बराबर 12 दे रखा है, 3x प्लस 4y बराबर 12 दे रखा है, तो मुझे a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, और दोनों अक्षों पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड निकालना है, b निकालना है y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, और दोनों के अक्षों पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई, दोनों एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालनी है। कैसे करोगे, जल्दी से आंसर दे दो, वीडियो नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है, तो जल्दी से आंसर दे दो। तो कैसे आंसर दोगे, बिल्कुल अक्षय गोस्वामी का आंसर आ चुका है। देखो पता है, सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा करते हैं लोग, एग्जामिनर लोग और जो भी पढ़ाने वाले होते हैं ना, मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपको साफ चीज बता रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ, जादू का मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, आंसर भी आ गया, लो अच्छी बात है ना, दिक्कत क्या है, देखो ये जो फोटो है ना, ये भी लाइन की इक्वेशन है और ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये अंतःखंड रूप में है, मतलब इंटरसेक्शन रेखा का अंतःखंड रूप है, ये आपका सादा फॉर्म है जो आप देखते हैं, ए एक्स प्लस वी वाई बराबर सी, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एक बनाना है सी को, सी को हमेशा एक बनाना है, तो 12 को नीचे डिवाइड कर दो, तो मैं नीचे डिवाइड करता हूं, जब अगर मैं नीचे डिवाइड कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड करने पर, 3x बटे 12 प्लस 4y बटे 12 बराबर 1। अब देखो फोटो कैसी लग रही है, फोटो इसके जैसी लग रही है, फोटो इसके जैसी लग रही है, यहां से मैं 3 से ये काट दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये काट दूंगा 3 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा 3, और पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 5, बिल्कुल सही है। तो a b और c तीनों के आंसर आ गए, और मस्त रहो। और अब मैं कहूं कि भाई अब देखो तरीका देखना भाई, इस लाइन से है ना एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, और आपको पता है a क्या है आपका, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जल्दी से निकालो जिनको समझ में आ गया है, मैं बाकी के लिए बता रहा हूं कि a तो आपको पता लग गया, ये 4 होता है a, अभी तो निकाला है अंतःखंड रूप, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ही तो a होता है, और b कितना है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 3 होता है, और ये कितना है 5 होता है, अभी निकाला है भाई, तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2, आधार कितना है 4 इंटू ऊंचाई कितनी है 3, तो मैं ये कह दूं जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 6, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6, लो भाई सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो आपने क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब पता है, अब एक एग्जामिनर ऐसा होता है कि इसका एक अलग फॉर्मूला बना देता है, फॉर्मूला देखो क्या होता है, देखो कैसे मतलब हमें कितनी तरीके से उलझा रखा है, जबकि चीज़ें सारी सेम है, चीज़ें सब सेम है, यहाँ से 6 आया ना। अब पता है एक फॉर्मूला और बना रखा है लोगों ने, सारी चीज़ें आप डिक्टेट करके चलो, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उनको समझते चलो चीज़ें। अब किसी बंदे ने एक फॉर्मूला बना रखा है कि अगर ऐसी लाइन दे रखी हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बराबर सी दे रखा हो, तो इसके द्वारा बनाया गया ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं लोग, सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये एक फॉर्मूला और है।
अरे भाई साहब, अंतःखंड रूप से इसका आंसर डायरेक्ट 6 आ गया, अब इससे करके देखो इससे आंसर क्या आ रहा है। तो दो तरीके क्लियर हो गए ना आपके, जल्दी से बताओ इससे आंसर क्या आएगा। और ये भी एक फॉर्मूला होता है, जब आपकी इक्वेशन अंतःखंड रूप में ना हो, मतलब आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में ना हो, अगर ऐसे हो तो आप ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन 2ab से निकाल सकते हैं। करके देखो आंसर क्या आ रहा है, सब करके देखो आंसर क्या आ रहा है। तो जब भी आप करोगे तो सी कितना है 12 × 12 अपॉन 2 × a कितना है 3 × 4, 4 × 12 से ये कट गया, 2 से h कटेगा, 6 बार 6 ही तो आ रहा है, 6 ही तो आ रहा है। अब देखो कंपैरिजन भी हो गया और आंसर भी आ गया और सारी चीजें क्लियर भी हो गई। क्लियर है मेरे दोस्तों, कंपैरिजन भी कर लिया कि अंतःखंड रूप आ जाए तो हम डायरेक्ट अंतःखंड से निकाल सकते हैं 1/2 आधार × ऊंचाई से करके, और अगर ऐसे फॉर्म में आ जाए तो सी स्क्वायर अपॉन 2ab लगा सकते हैं। क्लियर है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिएगा है ना। तो अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। अंतःखंड रूप के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, लाइक करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दें हम, 3x + 7y = 21 है। तो इसमें आपको क्या करना है, a का मान निकालना है, b का मान निकाल दो और वो पूरी लेंथ निकाल दो दोनों अक्षों पे, तो उसको c मान लेते हैं अपन, आप समझदार हो तो दोनों तीनों का मान निकाल दो, a का मान, b का मान, c का मान, अंतःखंड रूप में बदल के, a अंतःखंड की लंबाई, b y एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई, c दोनों अक्षों के बीच जो काटा गया अंतःखंड है उनकी लंबाई। चलिएगा तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर देता हूं मैं, 3x/21 + 7y / 21 = 1। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे फोटो बनानी थी ना, साइड में 1 लाना था। तो x/7 + y/3 = 1। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 हो गया, यहाँ पे हो गया ना 7 और 3, बस आपका काम हो गया अंडर रूट, a का मान तो हो गया आपका 7, b का मान हो गया आपका 3 और अंडर रूट 7 × 7 = 49, 3 × 3 = 9, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 58, तो √58 आपका हो गया सी। बिल्कुल सही है, चाहिए सही है, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके आंसर आए। तो यही 1-2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसके, और भी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, बस छोटा सा बचा हुआ है। कल हम क्या करेंगे, कल की बात सुन लें, कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं इसका बचा हुआ भाग, इस चैप्टर का बचा हुआ भाग और रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डन है ना दोस्तों, इस चैप्टर की रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे और फिर कल इसको चैप्टर को हम करेंगे एंड, कल इस चैप्टर का क्या करेंगे, एंड करेंगे। क्लियर है, डन है, फिर उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट ज्योमेट्री, ठीक है, फिर नंबर सिस्टम और फिर एलिमेंट्री स्टैटिक, उसके बाद रिवीजन। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ शायरी, शायरी याद है सबको है ना, शायरी के बाद मुझे उम्मीद है आप लाइक करेंगे सब लोग, शायरी सुनाता हूँ कि मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ बनाई है ऐ मेरे खुदा, मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ बनाई है ऐ मेरे खुदा, तेरी ही मस्जिद में तेरे ही सामने तेरा ही बंदा रोता है तो किसी और के लिए। तो अच्छी लगी होगी आई होप, और समझ में आई होगी, तो और फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं कल 11 बजे, और डेली क्लास होती है, मस्त रहा करो, अच्छे से पढ़ो, गारंटी ये है कि अगर डेली आओगे, डेली क्लास अटेंड करोगे, इम्प्रूवमेंट ही नहीं सीख जाओगे, और इतना सीख जाओगे कि दुनिया में किसी को भी सिखा सकते हो, मतलब बिलीव रखो खुद पे भरोसा रखोगे तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल जाएं। मिलता हूँ, ध्यान रखना अपना, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना और जुड़े रहना, बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में लिखना कि किस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत है, उसको पहले कवर अप करेंगे, ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ए छोरी कट जा रही है, मत बांधो तुम मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ, इस जमी से आसमां को मैं अब छूना चाहती हूँ, मैं उड़े